अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और आज हमारा 6th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर सुने हैं तो इससे जो पिछला लेवल हम लोगों ने पढ़ा था वो था इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल किसको कहते हैं? एक जानदार को, ठीक है। जैसे सपोज ये एक इंसान है तो ये एक इंडिविजुअल हो गया। अगर हमारे पास इस तरह के बहुत सारे इंसान हों जो एक जगह पे रह रहे हों तो वो इससे अगला लेवल बनाएंगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की पहले तो डेफिनेशन, उर्दू में इसको हम कहते हैं आबादी। पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, ये जानदारों का एक ग्रुप है जिसके अंदर एक जानदार नहीं बल्कि बहुत सारे हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस। तीन चीज़ें सेम होनी चाहिए, एक तो जानदार सेम होने चाहिए, दूसरा जगह सेम होनी चाहिए, तीसरा टाइम सेम होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ रैट्स इन राइस फील्ड। अब राइस फील्ड एक जगह है जो सेम है, उसके अंदर चूहे रैट अब एक ही स्पीशीज एक ही तरह के जानदार है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रैट्स इन राइस फील्ड्स, एक ही तरह के चूहे हैं एक ही वक्त में एक ही जगह पे जो पाए जा रहे हैं, वो इनकी पॉपुलेशन है रैट्स की। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास, आपकी क्लास के अंदर जितने तुलबा हैं जितने तालबे इलम हैं वो सारे इंसानों की पॉपुलेशन होगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक तालाब है, ठीक है। इस तालाब के अंदर पानी है, बहुत सारी जानदार है इस तालाब के अंदर रह रहे। सपोज़ इसके अंदर मछलियाँ भी मौजूद है, ठीक है, ये फिशेस भी हैं, फ्रॉग वगैरह भी हैं और भी कई जानदार, प्लांट वगैरह भी है। अब पॉपुलेशन क्या होगी? ये है एक स्पेसिफिक जगह, इस स्पेसिफिक जगह पे किसी ख़ास टाइम के अंदर जो एक ही तरह के जानदार हैं उनकी तादाद है। अब एक ही तरह के जानदार सपोज़ यहाँ पे मछलियों की अगर हम बात करें, 100 मछलियाँ हैं यहाँ पे इस तालाब में, तो ये पॉपुलेशन है फिशेस की। 150 फ्रॉग हैं तो ये फ्रॉग की पॉपुलेशन है। प्लांट्स जो हैं, अब प्लांट कई तरह के हो सकते हैं, सपोज़ हम ग्रास की बात कर रहे हैं, ग्रास के यहाँ पे 500 पौधे हैं तो ये ग्रास की पॉपुलेशन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि पॉपुलेशन के अंदर हम सेम जानदारों की बात करते हैं, सेम काइंड के, सेम स्पीशीज़ के जानदार। स्पीशीज़ भी मैं बताता हूँ आपको कुछ देर के बाद कि स्पीशीज़ क्या होती है। तो सेम स्पीशीज़ के जानदार जो सेम टाइम में सेम प्लेस पे रहे वो पॉपुलेशन बनाते हैं। अब पॉपुलेशन जो है ये क्योंकि जानदारों का ग्रुप होता है जो एक जगह पे रह रहा होता है, तो पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स बताएं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है खसूसियात। तो पॉपुलेशन यानी आबादी की जो खसूसियात है, पहली है जीन फ्रीक्वेंसी। बायोलॉजी के अंदर हमें जीन का पता है, जीन जो है ये क्रोमोसोम का एक डीएनए का एक पीस होता है जो किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए के लिए जीन होता है IA, तो IA एक क्रोमोसोम का टुकड़ा है, एक डीएनए का टुकड़ा है, अगर हमारे अंदर होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। अब जीन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कहते हैं उसकी उसका प्रोपोर्शन, किसी जीन का किसी पॉपुलेशन में कितना हिस्सा है। सपोज एक पॉपुलेशन के अंदर 100 लोग हैं, 100 के 100 लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो ए ही है, किसी का कोई दूसरा नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस पॉपुलेशन के अंदर जो जीन ए की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। आप एक्चुअली हिस्से को कह सकते हैं जीन का हिस्सा, एक जीन का। दूसरा जीन फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहाव, जीन का एक जनरेशन से दूसरी में जाना, पेरेंट्स के जीन्स हमारे अंदर आ जाते हैं, दिस इज जीन फ्लो। एज डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता है कि उस पॉपुलेशन के अंदर जो लोग हैं उनकी एजेस क्या क्या है, कितने लोग जो है वो बच्चे हैं, कितने लोग बूढ़े हैं, कितने लोग जवान हैं, ये भी पॉपुलेशन की एक खसूसियत है, एट्रीब्यूट है। पॉपुलेशन प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, इस चीज़ को कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। फिर एक है पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी कहते हैं उसका गाढ़ापन, पॉपुलेशन का गाढ़ापन ये होता है कि सपोज़ ये एक एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है, यहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं
इस एरिया में कम है, तो हम कहेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, इस एरिया में कम है। अब ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन, हमने कहा पॉपुलेशन सेम स्पीशीज़ के जानवरों का ग्रुप है, तो स्पीशीज़ यहाँ पे टॉपिक तो नहीं है, लेकिन पीछे टेबल के अंदर आपको स्पीशीज़ की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, स्पीशीज़ एक्चुअली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जानवरों का एक ग्रुप ही होता है, विच कैन इंटरब्रीड, क्या कर सके इंटरब्रीड, इंटरब्रीड मीन नस्ल बढ़ाना, जो नस्ल बढ़ा सके फ्रीली आपस में, अमंग देमसेल्व, यानी आपस में क्रॉस करके नस्ल बढ़ा सके, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और फिर बच्चे पैदा करें, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, फर्टाइल का मतलब होता है बाआवर, ठीक है, एंड ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, जानदार यानी जानदारों का ऐसा ग्रुप जो आपस में क्रॉस करें, क्रॉस के नतीजे में बच्चे पैदा करें, और उनके जो बच्चे हों वो भी आगे बच्चे पैदा कर सके, फर्टाइल का ये मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी कि मुआशरा, मुआशरा आपको पता है कि क्या होता है, सारे लोग जो एक जगह पे सारी चीज़ें रह रही हैं वो कम्युनिटी कहलाती है। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर कम्युनिटी से हमारी मुराद होती है ऑल पॉपुलेशंस, हमने पॉपुलेशन पढ़ा, एक ही तरह के जो जानदार, एक ही नस्ल के जो जानदार एक जगह पे रहें वो पॉपुलेशन है। अब एक जगह के ऊपर एक ही जानदार नहीं होते, डिफरेंट जानदार होते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने इंसानों की मिसाल लगा लेते हैं कि हमारे गांव के अंदर इंसान भी हैं, मवेशी भी हैं, गायें भैंसें भी हैं, बकरियां भी हैं, मक्खियां भी हैं, कीड़ियां भी हैं, इस तरह के ये सारे जानदार इकट्ठे रह रहे हैं एक जगह पे, तो ये जो सारे जानदार एक जगह पे रहेंगे वो कम्युनिटी कहलाएंगे। तो ऑल पॉपुलेशंस लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन सेम एरिया, इंटरेक्ट का मतलब होता है आपस में उनके कुछ ना कुछ ताल्लुकात भी होते हैं जानदारों के। सपोज़ ये पीछे हमने मिसाल पढ़ी थी, एक तालाब है उसके अंदर मछलियाँ जो है वो मछलियों की पॉपुलेशन है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी की, तो यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, फ्रॉग भी हैं, स्नेक भी है, ग्रास भी है, प्लांट भी है, ये सारी चीज़ें इस तालाब के अंदर हैं। अब ये एक स्पेसिफिक एरिया है, इस स्पेसिफिक एरिया में जितने भी जानदार हैं अगर हम उन सब की बात करें तो ये कम्युनिटी होगी, अगर हम सिर्फ एक ही तरह के जानदारों की बात करें वो पॉपुलेशन होगी। तो यानी सिंपली आप कम्युनिटी को कह सकते हैं जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं किसी जगह पे, बायोटिक मीन जानदार, तो सिंपली सारे जानदार जो एक जगह पे रह रहे हैं वो कम्युनिटी कहलाते हैं। और कम्युनिटीज़ के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच ताल्लुकात भी होते हैं। मिसाल आप ले लें कि जंगल, जंगल के अंदर जितने भी जानदार रह रहे हैं वो जंगल की एक कम्युनिटी है, तो वहाँ पे अब सपोज़ फ़र्ज़ करें कि लाइन भी है और डियर भी है, तो इन दोनों में एक इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, फीडिंग रिलेशनशिप होगा। अगर लाइन की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो आपको पता है डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो कम्युनिटीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन होती है उनमें इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं कि एक पॉपुलेशन के बढ़ने का दूसरे के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और जब डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जाहरी बात है लाइंस को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन का दूसरे के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है कम्युनिटीज़ के अंदर। कम्युनिटी के बाद नेक्स्ट है टर्म एक इकोसिस्टम, ये भी आप पीछे टेबल में लिखी हुई देख सकते हैं। इको वर्ड, इको जो है ये माहौल को कहते हैं, और सिस्टम जो है ये एक यूनिट है माहौल का जिसके अंदर जानदार और बेजान रहते हैं। ये लेवल कम्युनिटी के क्योंकि बाद आ रहा है, कम्युनिटी में हमने पढ़ा कि जितने भी माहौल के लिविंग कंपोनेंट हैं उनको कम्युनिटी कहते हैं। तो अगर हम लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों की बात करें, एक जगह पर रहने वाली जानदार चीज़ें भी और बेजान चीज़ें भी, उनको कहेंगे इकोसिस्टम। ये ऊपर वाली मिसाल पे ही गौर करें, इस तालाब के अंदर जितने भी जानदार हैं सब जो हैं वो एक कम्युनिटी है। अगर हम उस कम्युनिटी की नॉन लिविंग सराउंडिंग को भी काउंट कर ले, यानी यहाँ पे पानी है, ऑक्सीजन है, फूड है, लाइट है, इन चीज़ों को भी अगर हम देखें तो ये जो पूरा अब तालाब बन गया है ये एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम की मिसाल एक जंगल भी हो सकती है कि जंगल जिसके अंदर दरख्त भी हैं, जानदार भी हैं, पौधे भी हैं, खुराक भी है, मिट्टी भी है, ये सारी चीज़ें एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम बड़ी इकाई है कम्युनिटी से भी, और इससे भी बड़ी एक और इकाई है जिसका नाम है बायोस्फीयर।
तो उस लास्ट इकाई को हम देखते हैं। बायोस्फीयर की डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम यानी वो जगह जहाँ पे जानदार रहते हैं, वो सारे इकोसिस्टम मजमूई तौर पे कहलाते हैं बायोस्फीयर। एक डेफिनेशन आप इसकी ये भी लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मीन रहना, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोस्फीयर बायो मीन लाइफ एंड स्फीयर रीजन को कहते हैं। यानी अगर हम समझ लें कि ये हमारी सपोज जी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर वाला हिस्से पे क्योंकि जानदार रहते हैं, अर्थ के मिडल में तो नहीं रहते, मिडल से हमारी मुराद है ज़मीन का जो कोर है, बिल्कुल अंदर तो ज़मीन पिघली हुई है, अंदर से मैग्मा है ज़मीन के अंदर लावा, तो ज़मीन के ऊपर क्रस्ट के ऊपर जानदार रहते हैं, तो वो सारा जो ज़मीन के ऊपर वाला रीजन जहाँ पे जानदार हो सकते हैं वो बायोस्फीयर है। तो इसके साथ ही हमारे बायोलॉजी के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।